हेलो एंड वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। ये मेरा फर्स्ट मोबाइल रिव्यू है और आज हम सब सैमसंग के गैलेक्सी J7 प्राइम का रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि डिब्बा है इसका, बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और मैंने इसे दुकान से कुछ वही 18,699 रुपये में खरीदा है। देख सकते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव दिया गया है और एस बाइक मोड भी लिखा गया है इसके पीछे। और क्या है इसमें दिखाया जा सकता है, और अगर देखा जाए इंजन सिम कार्ड ओनली लिखा है। और अगर मैं इसे पलटता हूँ तो इसके पीछे इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर, 3500 mAh की बैटरी, 13 MP और 8 MP, 4G LTE एयरफोन, जिससे आपको जियो का भी फायदा मिल सकता है। बोले हाँ, और सबसे बड़ी बात कि पहला J7 का फोन है जो फुल HD स्क्रीन के साथ आता है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। J7 प्राइम, पेपर वर्क, पावर एडेप्टर, USB केबल टाइप सी नहीं है, ना ही फास्ट चार्जिंग, सैमसंग की ईयरबड्स, चलिए आपका तुरंत इसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। पहली बात जब मैंने इस फोन में देखी वो इसका मैटेलिक डिजाइन है जो बहुत अच्छा दिखता है, हाथ में पकड़ने में भी अच्छा लगता है। और पहला J7 या J3 का फोन है जिसमें मेटल डिजाइन दी गई है। कैमरा बीचों बीच है और सैमसंग के उसके नीचे लोगो दिया गया है। ग्लास कर्व है जो अच्छी बात है। साइड में पहली बार इसमें स्पीकर दिए गए हैं। इसमें होम बटन की जगह फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि फ्लेक्सिबल है। और साइड में सिम कार्ड स्लॉट और माइक्रो SD भी दिए गए हैं। ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं दिया गया है, नीचे में 3.5 mm जैक और USB केबल डालने के लिए जगह या चार्जिंग पोर्ट भी कह सकते हैं। फिजिकल बटन भी देख सकते हैं। अच्छी बात है फिंगरप्रिंट स्कैनर फ्लेक्सिबल है जो होम बटन का भी काम करता है। ये दोस्तों मैं आप लोगों को इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट गोरिल्ला ग्लास स्कोर दिया गया है जो बहुत अच्छा है, हार्ड है और टच इससे बहुत अच्छा काम करता है। 3 GB की रैम है, बहुत अच्छा काम करती है, मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छा काम करती है। इंटरनल 16 GB है, 256 GB तक आप इसकी मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसकी कैमरा की बात की जाए तो 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है और 13 MP बैक कैमरा जो कि जिसका अपर्चर F1.9 है। लो लाइटिंग के लिए बहुत अच्छा फ़ोन है और एंड्रॉयड 6.0.1 मास मेलो के साथ आता है। बैटरी बैकअप बहुत अच्छा देता है, 3500 mAh की बैटरी दी गई है, 1.5 से 1 दिन बहुत अच्छी तरह से निकाल ले। प्रोसेसर इसमें एक्सिनोस 7870 दिया गया है जो कि 1.6 GHz पर क्लॉक्ड है और ऑक्टा कोर है। अच्छा प्रोसेसर है, फिंगरप्रिंट भी बहुत रिस्पॉन्सिव है, अच्छे से काम करता है। हर क्लिक पे, एक क्लिक पे चालू हो जाता है, एक क्लिक पे बंद हो जाता है। फोन की परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा फोन है। डिस्प्ले भी इसका काफ़ी अच्छा है, मैंने चेक किया है, मैंने इस पर गेम खेले हैं। और कह सकते हैं एक अच्छा फोन है गेम खेलने के लिए क्योंकि डिस्प्ले इसका अच्छा है, परफॉर्म करता है फोन अच्छा क्योंकि ऑक्टा कोर प्रोसेसर और 3 GB का कॉम्बिनेशन दिया गया है। मल्टीटास्किंग अच्छे से हो जाती है, मैंने इस पर अच्छे अच्छे गेम खेले हैं, सबवे सफर, टेम्पल रन, नोवा 3
अल्टियर 1H और वगैरह वगैरह फ़ोन। और कहते हैं कि एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करने में भी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, देख सकते हैं कोई लैग नहीं है, मक्खन जैसे चलता है। और गेम खेलने की बात है तो उसमें डिस्प्ले भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, देख सकते हैं। जहाँ तक कि फोटोग्राफी की बात करें तो फोटो अच्छी आती है, डे लाइट पर अच्छा आ जाता है फोटो, रात में उतनी अच्छी नहीं आती। हालांकि कंपनी ने कहा है कि डे लाइट पे भी अच्छा कैमरा है, पर अब ओरिजिनल की तो ओरिजिनल होते हैं, हमने इसकी बहुत टेस्ट की है, कुछ फोटो भी क्लिक किए हैं जो आपके सामने हैं। डे लाइट के दिन में कह रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है कैमरा। इस फोटो में देख सकते हैं फ्लैश के साथ मैंने खींचा है, उतना खास मतलब जूम करने पे फट जाती है फोन, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कोई गलती हो गई होगी हमारे तरफ से। तो माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ मेरा कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा है नहीं,